माय नेम इज डॉक्टर अर्थ शाह, मैं M.ch प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ, डायरेक्टर ऑफ रिजुवा एस्थेटिक कॉस्मेटिक क्लिनिक। आज का मेरा टॉपिक है गायनेकोमेस्टिया। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रहा है यंग मेल्स में ड्यू टू बैड लाइफस्टाइल, हार्मोनल चेंजेस और इंक्रीज इन कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, दारू के कारण ये सब बढ़ रहा है। What do you mean by gynecomastia? Gynec मतलब स्त्री, mastia मतलब स्तन। तो अगर कोई पुरुष में स्त्री जैसे थोड़े स्तन होते हैं तो उसको gynecomastia कहा जाता है। ये जनरली टेस्टोस्टेरॉन एंड इस्ट्रोजन की इम्बेलेंस के कारण होता है। कोई भी पुरुष में थोड़े मात्रा में इस्ट्रोजन होता है और कोई भी स्त्री में थोड़े मात्रा में टेस्टोस्टेरॉन होता है, पर उसका मात्रा अगर जो बढ़ जाए तो जो बॉडी में पुरुष में भी थोड़ी सी ब्रेस्ट ग्लैंड होती है वो स्टिम्युलेट होके वो थोड़ी ज्यादा बनती है और वो गायनेकोमेस्टिया के तरफ, और या तो उसको मेल बूब्स भी बोलते हैं, वो तरीके से मैनिफेस्ट होती है। ये कोई गंभीर बीमारी नहीं है, कभी इससे कोई कैंसर नहीं होता है या कभी इससे फ्यूचर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, पर इसका खाली कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है जिससे लोग टाइट टी शर्ट पहनने में डर सा महसूस करते हैं, कॉन्फिडेंस लूज करते हैं, स्विमिंग जाने में, शर्ट निकालने में, ये सब में थोड़ा लो सा फील करते हैं। तो अगर आपको दूसरे कोई मैनिफेस्टेशन स्त्री के टाइप के नहीं है और खाली ब्रेस्ट ग्लैंड की तरीके से ही खाली वो अगर लिमिटेड है तो इसमें कोई ब्लड रिपोर्ट्स कराने की या कोई हार्मोनल चेकअप कराने की जरूरत नहीं होती है। इसको हम जो प्रोसीजर से बाहर निकालते हैं उसको लाइपोसक्शन बोलते हैं। जनरली हम 2 या 3 मिलीमीटर का इंसिजन रखते हैं ब्रेस्ट के नीचे और वहां से हम स्पेशल टाइप के 3 फ्लूइड डालते हैं। एक फ्लूइड जो होता है वो अंदर एनेस्थीसिया मतलब पेन ना उसके लिए होता है, दूसरा जो फैट ग्लैंड होती है उसको मेल्ट करता है, और तीसरा जो फ्लूइड होता है अंदर का फ्लूइड मेंटेन रखता है। तो वो 3 फ्लूइड डाल के हम 20 या 30 मिनट के लिए उसको रखते हैं और उसके बाद लाइपोसक्शन, लाइपो मतलब फैट एंड सक्शन मतलब टू निकालना, तो लाइपोसक्शन करके फैट को हम निकालते हैं। और कभी कभी पेशेंट को ब्रेस्ट ग्लैंड भी ज्यादा होती है तो उसको हमको जनरली 1-1 सेंटीमीटर का छोटा सा निप्पल के नीचे इंसिजन रख के ब्रेस्ट ग्लैंड को निकालना होता है और वो ब्रेस्ट ग्लैंड हम निकालते हैं। उसको ये 2 घंटे का प्रोसीजर होता है, अंडर एनेस्थीसिया होता है। जनरली पेशेंट 4 या 6 घंटे के बाद घर पे जा सकता है एंड दूसरे या तीसरे दिन से पेशेंट अपना वर्क रिज्यूम कर सकता है। पोस्ट प्रोसीजर में थोड़ा बहुत 2-4 दिन के लिए पेन महसूस होता है, पर वो पेन किलर अगर लो तो वो मैनेजेबल होता है या एंटीबायोटिक गोली लेनी होती है 2-4 दिन के लिए। एंड आपको 1 या 2 महीने के लिए टाइट प्रेशर गारमेंट पहनना होता है जिससे आपका शेप अच्छा आए। लाइपोसक्शन एक आर्ट होता है जिसमें 3 चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। एक, आपका कैसा वी शेप यहाँ पे मसल में दे रहे हो। दूसरा जो होता है, आप कैसा अपर पोल फुलनेस रख रहे हो, ऊपर से भी अगर आपने फैट निकाल दिया तो फ्लैट चेस्ट हो जाती है। और तीसरा, निप्पल इन्वर्जन नहीं होना चाहिए। ये 3 चीज बहुत जरूरी होती है कोई भी लाइपोसक्शन के लिए, या ब्रेस्ट ग्लैंड ज्यादा निकालते हो तो भी निप्पल इन्वर्जन होता है। लोगों के मन में एक मिथ होता है कि भाई जिम करने से ये या डाइट एक्सरसाइज करने से कम होता है कि नहीं होता है। फैट कम हो सकता है पर ब्रेस्ट ग्लैंड कभी भी जिम करने से नहीं होता है। जिम करने से उल्टा का खराब लगता है क्योंकि जिम करते हैं तो मसल अपना बिल्डअप होता है, मसल बिल्डअप होता है तो ये प्रोजेक्ट ज्यादा होता है, या तो जिम करने से पेट या टमी आपका कम होता है जिससे ये ज्यादा प्रोजेक्टिंग लगता है। तो जिम या कोई भी नॉन सर्जिकल तरीके से ये ट्रीट करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपको कोई भी गायनेकोमेस्टिया रिलेटेड, एंड ये सर्जरी है वो बजाज फिंजर्व के EMI ऑप्शन से भी हो जाती है और ये बहुत महंगी सर्जरी नहीं है, आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 7436000990 या हमारा वेबसाइट डिटेल है www.rijuvaesthetica.com, आप उसमें विजिट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच।